यूट्यूब गाइस के सबसे भी लोग उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही ज्यादा बड़ी होंगे अंदर मजा करेंगे। सो गाइस स्वागत है आप सभी लोग हमारे ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। सो गाइस यार आज की इस वाले वीडियो के अंदर हम लोग तो बात करने जा रहे हैं रोब्लॉक्स और रोब्लॉक्स के अंदर गाइस आज हम लोग फार्मर से एस्केप करने जा रहे हैं। हाँ यार हम लोग फार्म हाउस पे आए हुए थे, अपने नहीं है लेकिन भाई किसी और का फार्म हाउस है और यहाँ पे आके हम लोग फंस चुके हैं क्योंकि यहाँ का जो मालिक है फार्मर सो वो हम लोगों को कैद करके रखा है और हमें ये नहीं पता कि हमें यहाँ से एस्केप कैसे करना है। सामने यहाँ पे एक दरवाज़ा दिख रहा है भाई, वहाँ पे चलते हैं। और हाँ यार वीडियो को पूरा देखने से पहले आप लोग जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जरूर कमेंट कर देना क्योंकि भाई आप लोगों को पता ही है जय श्री राम कमेंट करने से जो कि मोटिवेशन मिलता है भाई सो कर दिया करो। यहाँ से एक दरवाज़ा निकला भाई, बहुत बढ़िया। अरे अरे भाई अरे नीचे गया तो पूरा खेल ख़त्म है भाई, इसके ऊपर ही हम लोग को इसको पूरा क्रॉस करना पड़ेगा। सो चलते हैं भाई, इसको क्रॉस करते हैं। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया भाई, यहाँ पे चेक पॉइंट डन कर लिए हैं, अब इसके अंदर से जाना पड़ेगा क्या? अरे भाई एक सेकंड ब्रो, ये साइड में जो बाउंड्रीज वगैरह हैं ना इसके ऊपर पहले हम लोग चढ़ते हैं, ठीक है? एंड देन फिर हम लोग भाई गौ माता के ऊपर कौन पैर देता है यार। भाई ये गेम भाई कैसे यार भाई मतलब गांजा फूक के बनाते हैं क्या ये गेम? कोई ना यार, गेम का जो क्या ही कर सकते हैं यार, लेकिन कोई ना यार हमको। अरे यार भाई नीचे का है गिर जा रहा है भाई, मैं बाउंड्री के ऊपर तेरे को चढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, तुम नीचे गिर जा रहा है। लेकिन कोई ना यार एक सेकंड, बहुत ज़्यादा बढ़िया। फाइनली गाइज हम लोग यहाँ तक तो पहुँच चुके हैं चारे के ऊपर, बहुत सही। सो गाइज यहाँ पे स्टेज 5 भी कंप्लीट हो चुका है एंड द डार्क केव के अंदर आ चुके हैं, मतलब टनल के अंदर घुस चुके हैं हम लोग सीधी बात में, बहुत ज़्यादा बढ़िया। ब्लैक केव लिखा हुआ था, ब्लैक तो कहीं से नहीं था, खाली बाहर से ही दिखने में ब्लैक है, यहाँ तो पूरा उजाला ही उजाला है भाई। लाइट वगैरह आ कहाँ से रहा यार? भाई लावे के अंदर गिर गया यार, लावे के अंदर गिर गया, वही लावे के अंदर गिर गया भाई। टोमेटो सॉस लग रहा है भाई, एकदम केचप की तरह दिख रहा है भाई, और बहुत ज़्यादा बढ़िया। फाइनली हम लोग स्टेज 7 भाई, अभी 5 हुआ था ना यार। जम द ओवर द लावा जम्प्स, लावा है किधर बे, लावा है किधर? अच्छा बीच में से धुआं निकल रहा है, अच्छा तभी मैं सोचूं भाई। चलो चेक पॉइंट डन, डोंट इन द डॉल्फिन द लावा, नहीं गिरेंगे भाई, संभल के चलेंगे, बट गिर गए पहले बार में तो कोई दिक्कत ना यार। चलो भाई बहुत ज़्यादा बढ़िया भाई, चेक पॉइंट डन, बहुत ज़्यादा बढ़िया भाई। चलो ये वाला भी चेक पॉइंट डन हो चुका है, रॉकी जंप्स रॉकी जंप्स रॉकी जंप्स ब्रो। चलो स्टेज 10 तक तो हम लोग पहुँच चुके हैं भाई, मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा ही क्लोज पहुँच चुके हैं भाई एस्केप के। सो इसलिए भाई वीडियो एंड तक देखना यार, मज़ा तो आएगा भाई, मज़ा तो लिटरली में आएगा यार। अरे 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 यार इतू सा बच गया भाई, इतू से के लिए बंदा नीचे गिर गया यार, कोई दिक्कत ना है भाई, नेक्स्ट ट्राई। अगर ये एक बार में हो गया तो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा वाद है यार, अगर नहीं हुआ तो भाई बहुत ज़्यादा गंदा वाद है। स्टेज 12 मोर ऑफ द रॉकीज प्लेस, अच्छा भाई इसको ना एक सेकंड के लिए ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? सो ध्यान देते देते हम लोग कर देंगे क्योंकि भाई देखो ऐसे करके रहने में पता भी नहीं चलता कि आगे भाई चढ़ने का वो है, इल्यूजन क्रिएट हो जाता है कि वहाँ पे कुछ है ही नहीं वैसा। अरे ये है क्या चीज़ बे, ये तो बहुत बवाल चीज़ है भाई, यहाँ पे लाइट दिख रहा है तो इस साइड चलते हैं हम लोग, और यहाँ से इस साइड में हम लोग को लाइट दिख रहा है भाई, इस साइड में तो अंधेरा, इस साइड लाइट दिख रहा है ब्रो। एंड देन फिर यहाँ से यहाँ चलते हैं, यहाँ से यहाँ, एंड देन यहाँ से हम लोग एक दरवाज़ा सीढ़ी मिल गया भाई, दरवाज़ा तो नहीं, चलो यहाँ से ऊपर चढ़ते हैं। एंड देन भाई हम लोग एस्केप द टनल लास्ट स्टेज पे पहुँच चुके हैं, बट यहाँ पे लावे के अंदर कूद गया यार, छी भाई छी यार, बट कोई दिक्कत ना यार, हम लोग इसको भी इजीली एस्केप कर लेंगे, बहुत ही तगड़ा वाला, ठीक है? कूद जा भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। ऑलराइट भाई चढ़ भाई, बहुत तगड़ा वाला। यहाँ पे भाई हम लोग चकमा ले लेते हैं, और भाई ये क्या सीन है भाई यहाँ पर, ये इस पेड़ को क्या हो रहा है भाई? और तो कोई पेड़ ऐसा नहीं हो रहा, मतलब इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है इस पेड़ के अंदर, मैंने देखा नहीं क्या लिखा आया। अरे भाई साहब ये पेड़ भाई अलग सा पेड़ है, ये बहुत ही अलग सा पेड़ है भाई,
इसके मुंह के अंदर जाएगा, मेरे को जितना लग रहा है भाई ना, इसके मुंह के अंदर जाएगा। बट करना क्या है भाई, स्केप तुम लोग कर चुके हैं ना प्रॉपरली। अच्छा यहाँ पे एक रास्ता है भाई, रास्ते को तो देखा ही नहीं यार। चल भाई फटाफट से चल आगे में, देखते हैं क्या है यहाँ पे। और एक टनल, छोटा टनल है भाई। यहाँ तक तो हम लोग पहुँच चुके हैं, मेरे को लगा यार जल्दी स्केप हो जाएगा, बट यार वीडियो भी बहुत ज़्यादा ही लंबा बन जाएगा यार। यहाँ पे चेक पॉइंट हम लोग डन करते हैं भाई, एंड देन कूदते हैं। बहुत ज़्यादा बढ़िया भाई, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। स्टेज 16 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, एंड देन 17 पे हम लोग पहुँच चुके हैं। चलो भाई, मैंने तब ध्यान नहीं दिया था जब 6 वाला हुआ था, 6 के बाद 7 आया था, मेरे को लगा 5 के बाद 7 कैसे आ सकता है भाई, ये तो इम्पॉसिबल है। बट नहीं यार, तब पहले 6 आया था, उसके बाद 7 आया, क्योंकि अभी पता चला है ना 16 17 करके भाई। ये इस जो चीज़ है ना भाई, इसके ऊपर, जिसके ऊपर मैं कूद रहा हूँ भाई, इसके ऊपर बैलेंस होना, बहुत तगड़ा वाला बैलेंस होना ज़रूर है, ठीक है, बहुत ही तगड़ा वाला बैलेंस होना ज़रूर है बे। अबे भाई गिर गए भाई, इतू सा लास्ट में आके तुम लोग ऐसा बकचोदी कर रहे हो भाई, नहीं गिरना है भाई, नहीं गिरना है, ऐसा बकचोदी मत करो। और गाइस यार, हमारे इधर एक पूजा होता है जीता पूजा करके, आप लोग उधर होता है कि नहीं आप लोग कमेंट में बताओ भाई। और दशहरा दुर्गा पूजा आने वाला है भाई, और दिवाली भी आने वाला है, माँ काली। और हाँ यार, जय श्री राम भाई, जय श्री राम। इंटू द माउथ, अब माउथ के अंदर चले गए भाई। ये एप्पल खा के रखा है, हड्डी चबा के रखा है, पूरा का पूरा निगल के रखा है, ये कुछ खा के रखा है, ये तो भाई च्युइंगम है। अरे यार खैर छोड़ो यार। और राइट गाइस यार, अभी आप लोग वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो चलो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके सामने जो लगे ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर देना। बाकी मिलते हैं किसी नए वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ। सुबह जब तब तक के लिए बाय बाय। You never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow. You can't be a pro, no, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon, and I'll do it 'cause it's what I wanna fucking